नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक पारा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही देखने को मिला कीर्तिनगर ब्लॉक में, जहां मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर मंच से पप्पू कह दिया है। सुबोध उनियाल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर गूगल करे तो उसमें पप्पू लिखने पर सीधे राहुल गांधी का नाम आ जाता है। सुबोध उनियाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व आज तक पप्पू वाली छवि को नहीं तोड़ पाया, वो पार्टी जनता को विकास पर क्या ला सकेगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि सुबोध उनियाल ने राहुल गांधी को पप्पू कह दिया है एक बार फिर से। अब विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, लेकिन ऐसे में राजनीति शुरू पूरी तरह से हो गई है, बयानबाजी पूरी तरह से शुरू हो गया है। उसमें मुख्यमंत्री जी आए थे, जिसमें सभी मंत्री यहां पर थे, और उसमें कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी ने जिस तरह से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को गलत शब्दों का बयान किया, उसके लिए पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कीर्तनगर उनकी घोर निंदा करती है। और आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रघुवीर भंडारी जी की अध्यक्षता में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उनका पुतला दहन किया और उनको जो है माफी मांगनी चाहिए। ये पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कहती है कि वो माफी मांगे। दिनेशपुर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी सरकार से पिछले 5 सालों में किए गए कार्यों का हिसाब मांगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप पार्टी नेता के विधानसभा प्रभारी जनरल सिंह काली की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पहुंचकर बीजेपी सरकार की तरफ से किए गए कार्यों का लेखा जोखा की मांग करते हुए सरकार को तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है। तो बीजेपी और कांग्रेस विधायकों से 5 साल का हिसाब मांगा गया है। विधानसभा चुनाव में आप पार्टी ने ये धरना प्रदर्शन किया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि अब जरा जब विधानसभा चुनाव नजदीक है उत्तराखंड में भी, तो आम आदमी पार्टी ने भी पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने ये धरना प्रदर्शन किया है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने ये पूरा जो है 5 साल का विधायकों का लेखा जोखा मांगा है कि किस तरह से क्या काम किया उसका हिसाब दिया जाए। एक दशक में जिस तरह से हर स्तर पर जो है महंगाई बढ़ी है और जनता पूरी तरह से बदहाल हुई है, वैसा अभूतपूर्व है। भाजपा शासनकाल में डबल इंजन सरकार का दावा करने वालों ने जिस तरह से भाजपा की सरकार ने जो है डबल लेवल पर जो है जनता को लूटा है, और इस वक्त कोरोना पीरियड में भी जो है और अब भी जो है जनता पूरी तरह से त्रस्त है। आज यहाँ हमारे पूरे उत्तराखंड में विधायकों का घेराव था, आज हम लोगों ने घेराव किया, तो ये ना अपने ऑफिसों में मिले ना अपने घरों पे मिले, तो हम लोग चौराहे पे आकर एकत्रित हुए और हम लोगों ने 5 साल का पिछला हिसाब मांगा है, जो कि हिसाब देने से ये लोग पीछे हट रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे यशपाल आर्य के पहली बार कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाएं पहनाकर उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि यशपाल आर्य बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी में रहने के बावजूद उनकी आत्मा कांग्रेस में थी, जिसके बाद वो कांग्रेस में आए हैं और 2022 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बने इसके लिए वो काम करेंगे। चालीस वर्ष राजनीति के और राजनीति में कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में मैंने हमेशा कार्य किया, और जो भी दायित्व मुझे दिया गया उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है। 40 साल कम नहीं होते, और वजह रही मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, लेकिन कभी भी मैं जो उनकी विचारधारा थी, जो उनके रीति रिवाज थे, जो उनकी रीति नीति थी, जो उनकी परंपराएं थी, उसको मैं कभी स्वीकार नहीं कर पाया, न तालमेल बैठा पाया, सामंजस्य नहीं बैठा पाया।
और मूल रूप से मैंने कहा है कि मेरी शरीर जरूर वहाँ था, मेरी आत्मा यही थी और आज मैं अपने परिवार के बीच में, अपनों के बीच में आया हूँ। मुझे एक अनुभूति हो रही है, सुखद अनुभूति हो रही है। इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है। देहरादून के आईटी पार्क में स्थापित किए गए राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और राज्यसभा सदस्य और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके बाद अगला एक्सचेंज नैनीताल में खोला जाएगा। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने बीते 4 अक्टूबर को राज्य में इंटरनेट सेवाओं की स्पीड का मसला केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के पास रखा था। ऐसे में उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज के उद्घाटन के बाद अब राज्य के हर जिले में एक इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। इससे पर्वतीय और दूर दराज के गांवों में भी इंटरनेट की सुविधा अब लोगों को अच्छे से मिल सकेगी। तो उत्तराखंड को ये बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें इंटरनेट एक्सचेंज का ये उद्घाटन किया गया है और ऐसे में ये बड़ी सौगात देते हुए उन इलाकों के लिए बड़ी बात है जहां पर नेटवर्क की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब दूर दराज के इलाकों में और पर्वतीय इलाकों में भी इंटरनेट की पूरी सुविधा लोगों को मिलेगी जैसे शहरी इलाकों में मिलती है। और इसीलिए अब अगला इंटरनेट एक्सचेंज जो है वो नैनीताल में लगाया जाएगा ताकि वहाँ के भी आसपास के लोगों को सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। होती कि आईआईटी दिल्ली के अंदर एडमिशन हो जाए या आईआईएम बेंगलोर के अंदर एडमिशन हो जाए या अहमदाबाद के अंदर एडमिशन हो जाए, तो क्या देहरादून के स्कूल और कॉलेजेस के अंदर उस क्वालिटी एजुकेशन को आपको मिल पाएगी या नहीं? हाँ, वो अब इंटरनेट एक्सचेंज के थ्रू हम जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है एजुकेशन की वो इस शहर तक पहुँचाएंगे, तो उससे फायदा क्या होगा कि जो देहरादून के बच्चे हैं, उत्तराखंड के बच्चे हैं, उनकी जो शिक्षा का लेवल है वो वही हो जाएगा जो बॉम्बे दिल्ली मद्रास के साथ होगा। यानी कि अब देश के अंदर समान सेवाएं उपलब्ध होंगी, वो एजुकेशन की हो या हेल्थ की हो, एग्रीकल्चर की हो या नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी हो। रुद्रप्रयाग के देवस्थानम बोर्ड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को केदारनाथ में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। तीर्थ पुरोहितों के काले झंडे दिखाने के साथ ही त्रिवेंद्र गो बैक के नारे भी लगाए गए। विरोध प्रदर्शन के चलते त्रिवेंद्र रावत सरस्वती पुल से आगे नहीं बढ़ पाए और केदारपुरी से बाबा के दर्शन किए बगैर वहां से लौट आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का भी घेराव किया। तो तस्वीरें देख सकते हैं ये आप, जहां पर भारी विरोध के बीच दर्शन किए बिना ही त्रिवेंद्र सिंह रावत वापस लौट आए। आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहितों ने काले झंडे दिखाकर नारे लगाए, गो बैक त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये वहां पर सुनाई दे रहा था। ऐसे में वहां पर केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और बिना दर्शन करे ही वो वहां से लौटना उन्हें पड़ा। जैसे कि सरकार ने 2 महीने का टाइम तीर्थ पुरोहितों के पास मांगा था और सरकार ने वादा खिलाफी करके कल जो है 30 अक्टूबर हो गए हैं और आज से चारों धामों में उग्र आंदोलन तीर्थ पुरोहितों ने कर दिया है। उसका अभी जो है पूर्व सीएम केदारनाथ में आए थे और तीर्थ पुरोहितों ने धक्का दे करके केदारनाथ से उनको वापस कर दिया और अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं और डॉक्टर धन सिंह रावत मंत्री जी हैं, उनको भी यहाँ पे वार्ता चल रही है, उनको भी केदारनाथ से भगा देंगे। मैं देवस्थानम बोर्ड के लिए उसका समाधान करने के लिए, उसका रास्ता निकालने के लिए हमने कमेटी बनाई है, कमेटी की एक रिपोर्ट आ गई है और अब अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है, हम उसका समाधान निकालेंगे। 20 अक्टूबर को हरिद्वार के माया देवी मंदिर से शुरू हुई पवित्र छड़ी यात्रा चारों धामों और कई मंदिर मठों से होते हुए आज कर्णप्रयाग स्थित उमा महेश्वर आश्रम में पहुंची, जहां पहुंचने पर आश्रम के महंत ऐश्वर्यनाथ जी महाराज और संतों ने फूलों के साथ छड़ी यात्रा का जोरदार स्वागत किया। हरिद्वार से 20 अक्टूबर को शुरू हुई छड़ी यात्रा के कर्णप्रयाग पहुंचने पर उमा महेश्वर आश्रम के महंत ऐश्वर्यनाथ जी महाराज ने छड़ी की पूजा अर्चना भी की।
तो तस्वीरें देख सकते हैं चमोली की, जहां पर छड़ी यात्रा कर्णप्रयाग पहुंची, साधु संतों ने छड़ी की पूजा अर्चना भी की। जी, ये छड़ी यात्रा चारों धामों को होते हुए आश्रम पर हमारे श्री उमा महेश्वर आश्रम कर्णप्रयाग में आई और हम लोगों ने छड़ी यात्रा में सम्मिलित सभी संत पदाधिकारियों का पुष्प वर्षा के साथ जोरदार तरीके से स्वागत किया एवं उन सभी संतों को दक्षिणा एवं कंबल वितरण के साथ भी उनका बड़े अच्छे तरीके से स्वागत किया। और इस छड़ी जो ये छड़ी महोत्सव है, इसका उद्देश्य यही है कि हमारे भारतवर्ष में एवं हमारे गढ़वाल क्षेत्र में धर्म की स्थापना हो सके और इसीलिए इस छड़ी यात्रा को 1100 वर्ष पुरानी परंपरा को पुनर्जागृत किया गया। लालकुआ क्षेत्र के बिंदुखत्ता में आई प्राकृतिक आपदा के कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पीड़ित लोगों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई, जबकि धामी सरकार के प्रतिनिधि बनकर आए दो मंत्रियों ने बेघर लोगों से वादा किया था कि हम सरकार से मदद और जो मकान पानी में बह गए हैं उनको दोबारा से बना कर देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे नाराज बाढ़ प्रभावित लोग आज तहसील पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इन बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकार की तरफ से मकान और जमीन दिए जाने का वादा किया गया था, जो अभी तक अधूरा है। ऐसे में इतने दिन बीत जाने के बाद भी इन लोगों को अब सरकारी मदद मिलेगी, ये देखने वाली बात है। तो लालकुआ में तहसील ये लोग पहुंचे हैं, बाढ़ प्रभावित लोगों ने सीएम के नाम ये ज्ञापन सौंपा है। दरअसल आपको बता दें 18-19 अक्टूबर को जिस तरह से आपदा आई थी उत्तराखंड में, उसके बाद कई लोगों के घर बह गए थे और ऐसे में उन लोगों से वादा किया गया था, सरकार के मंत्री वहां पर पहुंचे थे कि आपको आपके घर बना कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी को भी कुछ नहीं दिया गया है। तो हमको फिलहाल तो फिर प्राइमरी स्कूल में रहने की सुविधा कर गए, खाने की व्यवस्था कर गए, उसके अलावा अभी हमारे पास अभी कोई अधिकारी भी नहीं आए हैं, बस वही राशन पानी और कहते हैं कोई परेशानी होगी तो कॉल नंबर अपने फ़ोन नंबर दे गए हैं। दिनों 20-21 तारीख में जो दैवीय आपदा आई थी गोला नदी में भारी उफान के चलते इंदिरा नगर बिंदुखत्ता के आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की ज़मीनें और मकान बह गए थे, और मकान बहने के बाद तमाम राजनीतिक दलों के साथ सरकार के मंत्री माननीय यशोरानंद जी यहाँ आए थे और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था प्रशासन के सामने कि हम इनको जल्द ही आवास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आज एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय बीत गया है और उनकी वो घोषणा केवल कोरी और राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा साबित हो रही है। नैनीताल में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को भव्यता के साथ मनाया जाएगा, इस दौरान कई कार्यक्रम किए जाएंगे। राज्य स्थापना की वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित हुई। स्थापना दिवस पर हिमालयन पूरट फेस्टिवल, नैनी झील में वोट रेस, सेलिंग रिंगाड़ा और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि धीरज गर्ब्याल की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें तय किया गया कि किस तरह से कार्यक्रम किए जाएंगे और 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसको देखिए, जो 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस हर वर्ष हम लोग मनाते हैं और इसको भव्य रूप में कैसे बनाया जाए, उसके लिए हम लोगों ने आज चिंतन और मनन किया और आपदा के बाद जो टूरिज्म की एक्टिविटीज़ में जो गिरावट आई है उसको कैसे रिवाइव करें, उसमें भी हम लोगों ने बड़ा विचार विमर्श किया है। तो स्थापना दिवस विगत वर्षों की तरह हम लोग मनाएंगे और लेकिन इसमें कल्चर प्रोग्राम्स को के साथ साथ हम लोग सोच रहे हैं कि टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग और इसमें सम्मिलित करें। रुद्रप्रयाग पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान तुंगनाथ की जल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मर्कटेश्वर महादेव तीर्थ मक्कू मठ में विराजमान हो गई। भगवान तुंगनाथ की जल विग्रह उत्सव डोली के कैलाश से शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ आगमन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, जिला पंचायत सदस्य वीना बिष्ट सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने फूलों से डोली की अगुवाई की। मंगलवार से भगवान तंगुनाथ की शीतकालीन पूजा मक्कू मठ में विधिवत होगी।
चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक की जैक कैंडी बंसोली मैखुरा मोटर मार्ग के डामरीकरण की मांग को लेकर ग्रामीण सड़कों पर उतरे और जैक कैंडी के पास आमरण अनशन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 20 सालों से जैक कैंडी बंसोली मथुरा मोटर मार्ग को लेकर क्षेत्र में लगातार आंदोलन किया जा रहा है। सड़क बनने के बाद जहाँ लोगों ने सुविधाओं के सपने देखे थे, लेकिन स्थिति कुछ और ही नजर आई। इस सड़क निर्माण के बाद पूरे क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सड़क की स्थिति ऐसी है कि उस पर चलना जान जोखिम भरा हो गया है। कोई घटना होती है, जो दुर्घटना होती है, उसकी संपूर्ण जवाबदारी सरकार की होगी। कहने को तो सरकार कह रही है हमारी डबल इंजन की सरकार है, पर ये कहीं पर देख नहीं रही डबल इंजन की, केवल कागजों में डबल इंजन की सरकार है। ये केवल क्षेत्र जनता को बेवकूफ समझने के केवल वोट लेने तक ही सीमित है डबल इंजन की सरकार। हमारे अगर हम लोगों को जब फायदा नहीं होना है तो हम डबल इंजन की सरकार की क्यों इनके गुब्बारे उड़ाएं। इन लोगों को केवल वोट तक सीमित है। आज तक हमने अपने माननीय विधायक जी को नहीं देखा है कि हमारे विधायक हैं कौन। जब हम विधायक भी इन क्षेत्र के लोग हैं विधायक, आज तक हमने अपने विधायक की किसी भी क्षेत्रवासी ने अगर सूरत देखी हो, इतनी जनता आई है, किसी से पूछ लो। सबसे पहले आपको प्रणाम। हमारा मुद्दा ये है कि हमारे गांव से जो रोड जाती है और भी गांव में मिलती है रोड, लेकिन पूरी रोड क्षतिग्रस्त हो रखी है। बहुत सालों से रोड कटिंग तो की है हमने, अपने खेतों का भी नुकसान किया है, लेकिन अभी रोड बिल्कुल डामरीकरण भी नहीं है और पुश्ते भी बहुत पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी लापरवाही से दे रहे हैं कि आज दीवार दे रहे हैं, कल को दीवार नीचे खिसक जा रही है। लालकुआ के स्लीपर फैक्ट्री के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायत के बाद उप जिलाधिकारी ने फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान एसडीएम को फैक्ट्री में भारी अनियमितताएं मिली, जिस पर उन्होंने फैक्ट्री मैनेजर को जमकर फटकार लगाई। उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अगुवाई में श्रम विभाग निरीक्षक मीनाक्षी कांडपाल के साथ अधिकारियों की टीम ने स्थानीय स्लीपर फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में बिना सेफ्टी उपकरणों के मजबूत काम करते पाए गए। साथ ही फैक्ट्री के आवासीय भवनों और शौचालय में फैली गंदगी पर भी मैनेजर को जमकर फटकार लगाई। लालकुआ में स्लीपर फैक्ट्री है और स्लीपर्स बनाने का ये काम करती है। इसमें बहुत दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि एक तो चाइल्ड लेबर यहाँ पे काम करती है और दूसरा जितने भी वर्कर्स काम करते हैं यहाँ पे, उनका वर्किंग एटमॉस्फेयर, रहने का एटमॉस्फेयर वो अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो उसके क्रम में आज जो है डीएलसी, जो लेबर डिपार्टमेंट के डीएलसी हैं मीनाक्षी जी, उनके साथ मैंने संयुक्त निरीक्षण किया है और निरीक्षण में पाया गया है कि जितने भी वर्कर्स अभी काम कर रहे हैं, एक तो किसी के भी पास सेफ्टी मेजर्स नहीं है। एसडीएम महोदय लालकुआ क्षेत्र द्वारा मुझे इंस्पेक्शन के लिए अपने साथ बुलाया गया था। संयुक्त निरीक्षण था ये स्लीपर फैक्ट्री का, जो अब कृषाय कास्टिंग्स के नाम से जानी जा रही है। तो इसमें कम से कम 200 वर्कर्स हैं और इसमें निरीक्षण करने पर वर्कर्स की जो सामान्य बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं वो प्रॉपर नहीं पाई गई, जैसे कि टॉयलेट्स क्लीन नहीं हैं और पीने के पानी की सुविधा भी थोड़ा सा दिक्कत में देखी है। हरिद्वार में कोरोना काल से बंद पड़े सिनेमा हॉल को खोले जाने के आदेश पहले ही दे दिए गए थे, जिसके चलते धीरे धीरे सिनेमा हॉल खुलने शुरू हो चुके हैं। उसी कड़ी में 5 नवंबर को एक और सिनेमा हब सन सिटी सिनेमा बहादुराबाद में खोला जा रहा है। सन सिटी सिनेमा के मैनेजर नवजोत सिंह चहल ने सन सिटी सिनेमा बहादुराबाद को खुलने की जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले 5 नवंबर को सन सिटी सिनेमा खोला जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस, सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए आधुनिक उपकरण के साथ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें 5 नवंबर से दर्शकों के लिए सन सिटी सिनेमाज खोल दिए जाएंगे, यानी कि अब यहां भी दर्शक जाकर फिल्में देख सकेंगे। जैसे कि लॉकडाउन हुआ था मार्च 19, 2020 से अब तक प्रॉपर्टी बंद थी और आपकी सेवा में दोबारा हाजिर हो रहे हैं जी हम सन सिटी लेके। और 5 नवंबर को आपके पास हम नई नई पिक्चरें लेके आ रहे हैं जी। सूर्यवंशी के साथ ओपनिंग कर रहे हैं और पानी विच मदानी पंजाबी मूवी नीरू बाजवा की जी की वो भी आ रही है जी। और बिल्कुल जो भी एसओपीज हैं उसके अकॉर्डिंगली, और सारा स्टाफ हमारा वैक्सीनेटेड है
और जो भी हमारे उत्तराखंड की गाइडलाइंस है उसको लेके आपके साथ पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग के रानीगढ़ पट्टी में भालू के आतंक से ग्रामीण परेशान है। भालू पालतू पशुओं का शिकार कर रहा है जिस वजह से ग्रामीणों को खासा नुकसान हो रहा है। गांव में अब तक सभी परिवार प्रभावित हो चुके हैं। एक दर्जन पशुओं को भालू मार चुका है। दुधारू पशुओं की मौत से अब ग्रामीणों के सामने आर्थिकी संकट भी गहराने लगी है। वही ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से लेकर वन विभाग के अधिकारियों को कई बार सूचित किया लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। वन क्षेत्र अधिकारी संतोष कुमार ने कहा है कि जंगली जानवर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे अगली खबर का। विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक आने के बाद आम आदमी पार्टी भी लगातार ऋषिकेश में सक्रिय नजर आ रही है। अपना दबदबा कायम करने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीरभद्र मंदिर के चौराहे पर बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे कार्यकर्ता विधानसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय तक नहीं पहुंच सके। मजबूरी में कार्यकर्ता विधानसभा अध्यक्ष के नाम एक ज्ञापन पुलिस को सौंप कर लौट गए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषणा की गई थी, इसमें कहा गया था कि उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं देश भर के अंदर उनको जनता के बीच भेजा जाएगा 3P के फॉर्मूले के साथ, जिसमें कि 3P में पहला P उनका था कि केंद्र की जो योजना है, 5 योजनाएं केंद्र की, 5 राज्य सरकार की और 5 विधायकों की। तो आज हम लोग आम आदमी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, इसी के विधानसभा के जो माननीय विधायक हैं और जो कि विधानसभा के भी अध्यक्ष हैं और जो 5 नहीं बिल्कुल 15 सालों से ऋषिकेश पे के विधायक हैं, उनसे उनके 5 काम पूछने के लिए यहां पर एकत्रित हुए थे उनके कैंप कार्यालय की ओर हमारा कूच था। हरिद्वार के लक्सर रोड बुढ़ी माता मंदिर के पास कॉलोनी में जंगली हाथी के घुसने से हड़कंप मच गया। लगभग आधे घंटे तक हाथी ने कॉलोनी में उत्पात मचाया। कॉलोनी में बनी 2 दीवारों को भी गिरा दिया। जब लोगों ने देखा देर रात में जंगली हाथी कॉलोनी में घुस आया है, लोगों में दहशत का माहौल बन गया और लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने वन विभाग को सूचना दी लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। लोगों ने शोर शराबा करके ही हाथी को कॉलोनी से बाहर भगाया। वहीं ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं हरिद्वार की, जहां पर हाथी के आने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। कॉलोनी में देर रात जंगली हाथी घुस आया था जिसके बाद हाथी ने जमकर उत्पात मचाया और 2 दीवारें भी गिरा दी। चमोली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिला मुख्यालय स्थित प्रगति वेडिंग पॉइंट हॉल में जिला स्तरीय आशा सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान जिले में सराहनीय कार्य करने वाली आशा, आशा सुपरवाइजर और आशा ब्लॉक समन्वयक को प्रशस्ति पत्र, मेडल और प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि जिले में 600 से ज्यादा आशा, 42 आशा सुपरवाइजर और 9 ब्लॉक समन्वयक कार्यरत हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति नेशनल हेल्थ मिशन के से हमें डायरेक्शन मिलता है कि आप लोगों को आशाओं के सम्मान के लिए आशा सम्मेलन रखना है, तो इस बार हमने आज 30 अक्टूबर को रखा। अदरवाइज़ हम लोग मार्च में रखते हैं, तो क्योंकि शायद चुनाव होंगे मार्च में, आचार संहिता लग जाएगी, तो इसलिए हमें यह दिशा निर्देश थे कि अक्टूबर में ही आपने इस सम्मेलन को रखना है। तो आशाएँ हमारी जो है बहुत सारे ब्लॉक से हमारी आशाएँ आ रही हैं, 9 के 9 ब्लॉक से। सभी आशाओं को हम नहीं बुला पाए हैं लेकिन हर ब्लॉक से हमने कोशिश की है कि 5-5, 6-6 आशाएँ लगभग आएँ, और इसके साथ हमारे आशा फैसिलिटेटर भी आए हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी आए हैं और हमारा NHM का स्टाफ भी यहाँ पे है। तो इन लोगों के सम्मान के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।